हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो हर 12th साइंस वाले को होता है। जैसे अगर आप 12th से साइंस कंप्लीट कर रहे हो और अभी आप परसू भी कर रहे हो, आप 12th में हो और आपका साइंस स्ट्रीम है, सो आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस होंगे, आपके लिए बेस्ट क्या है, और उससे रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि हम आपके लिए सही जहां आप बेस्ट फिट होंगे। सो मिलते हैं अपने वीडियो में। ये एक बहुत क्रिटिकल फेज होता है स्टूडेंट्स का जब वो 12th पास आउट होते हैं, लेकिन डोंट वरी, आज हम आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं और आप कहाँ बेस्ट फिट हो पाओगे। सो आप पूरी वीडियो को देखना और आप खुद समझ जाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। लेट्स टॉक अबाउट वेरियस स्ट्रीम्स अवेलेबल आफ्टर 12th साइंस। साइंस के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर, फार्मेसी, नर्सिंग, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। उसमें भी डिफरेंशिएशन, लाइक उसमें भी डिफरेंस है कि आप पीसीबी से थे या फिर पीसीएम से थे, आपने मैथ से करा हुआ है या फिर बायो से करा हुआ है। अगर आपने बायो से किया हुआ है तो आप मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जाओगे, अगर आपने मैथ से किया हुआ है तो आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड फील्ड में जाओगे, या फिर उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगी आप उस फील्ड में जाओगे। अगर आपको नंबर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपके लिए इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन है। इंजीनियरिंग में काफ़ी ऑप्शन है, लाइक उसमें स्पेशलाइजेशन जो है वो 5-6 स्पेशलाइजेशन है। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें है कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, और भी सारे स्पेशलाइजेशन वहाँ अवेलेबल हैं। तो आप कहाँ बेस्ट फिट होते हो, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से चूज करना। इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेने के लिए आपका जो 12th है उसमें आप साइंस स्ट्रीम होना तो मैंडेटरी है, लेकिन उसके अलावा उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें वहाँ होना कंपलसरी है, और एक लैंग्वेज कोर्स जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसमें भी काफ़ी ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे आप फार्मेसी चूज़ कर सकते हो, आप MBBS चूज़ कर सकते हो, आप डेंटल चूज़ कर सकते हो, और आप नर्सिंग में भी जा सकते हो। दीज आर स्पेशलाइजेशन विच इज़ अवेलेबल इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपकी 12th जो होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम, और उसमें जो सब्जेक्ट होने चाहिए आपके वो सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों मैंडेटरी कोर्स है, और इंग्लिश एज यूजुअल रहेगा ही रहेगा आपके लैंग्वेज में। आप अगर प्लान कर रहे हो सो आप इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, ये आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपको आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बीटेक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उस चीज़ का यूज़ करके आप आर्किटेक्चर फील्ड में काफ़ी अच्छा स्कोप बना सकते हो। फार्मेसी भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी के टाइम में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, सो उसके अकॉर्डिंग फार्मेसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप फार्मेसी का सोच रहे हो, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना हो और आप दवा से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हो, तो दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड यू आर अ बेस्ट फिट फॉर दैट। अब अगर हम कोर्सेज और कॉलेजेस की बात करें सो हर फील्ड के लिए अलग कॉलेज आएगा और हर फील्ड के लिए अलग एग्जाम होता है। अब आते हैं कोर्सेज और कॉलेजेस के बात पे कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज है और क्या पेपर्स हैं। सो अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल के लिए आपको नीट देना पड़ता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए IIT का पेपर देना पड़ता है, JEE, मेंस, एडवांस ऐसा, और स्टेट वाइज भी पेपर होता है। लाइक बहुत सारा स्टेट होता है जो अपना पेपर खुद कंडक्ट करवाता है, जैसे यूपी का भी, यूपी है तो यूपी का एक पेपर होगा जिसमें आप उसके टेक्नोलॉजी और मेडिकल फील्ड का पेपर दे सकते हो और उसमें स्ट्रीम के लिए अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन या फिर आप उसके लिए भी उनका अपना पेपर होता है, आप अपने प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग भी एडमिशन्स ले सकते हो, जैसे कि आपने अगर नीट दिया हुआ है, अगर आपने IIT दी हुई है सो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी है, ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ कटअप्स, एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम डेट, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्या कटअप है, किस कॉलेज पर क्या कटअप आते हैं, क्या किस बेसिस पर एडमिशन होगा, क्या क्राइटेरिया है, आप उस पर फिट हो रहे हो या नहीं, आपको क्या चीज़ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दें। अगर ये आपको IIT करना है तो उससे रिलेटेड जो कॉलेज है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या 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 वहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आपको प्रेजेंट करने के लिए, आपको देने के लिए। सो आप रिसर्च बढ़िया करो ताकि आप उसमें एडमिशन ले पाओ। सो गाइज, 12th के बाद काफ़ी ऑप्शन है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके पास ब्रॉड साइंस बहुत ब्रॉड टर्म है और उसके बाद काफ़ी ऑप्शंस हैं। सो आप चूज़ करो तो बहुत वाइजली चूज़ करना, क्योंकि जो स्ट्रीम होगा वहीं आपके गोल को रिलेट करेगा। जो स्ट्रीम होगी वहीं आपको फ्यूचर जॉब एस्पेक्ट में काम आएगा। आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो उसको चेक करना कि उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एडवांसमेंट क्या होगी, फ्यूचर में करियर है या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखना। सो वो चूज़ करके आप फिर डिसाइड करना। सो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर एक नई वीडियो लेके आएंगे और आपका वो भी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।